हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन मैं एक ट्रैक लीडर हूं और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं जकाना कैमीटर 2x3 टेंट को। सो बेसिकली ये एक फोर सीजन लो बजट टेंट है, तो ये बिगनर और जो ओकेजनल ट्रैकर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जकाना एक साउथ कोरियन ब्रांड है जो कि इंडिया में पशुपति इंटरप्राइजेस के अंडर सेल होती है। बात करें गाइज इसके पैकेजिंग की, तो ये आपको डफल बैग स्टाइल पैकेजिंग में मिलती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है कहीं भी कैरी करने के लिए। और इसके कवर की बात करें तो इसके कवर के एक साइड पर आपको इसका ब्रांड नेम प्रिंटेड मिलेगा और दूसरे साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इस टेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड मिलेगी। गाइस ये जो टेंट जब मैंने लिया था तो इसका नाम कैमीटर के बजाय ईगर 2x3 था, बिकॉज उस टाइम पर ये टेंट वाइल्ड कार्ड के साथ कोलेब्रेशन में बनता था, तो ये कोलेब्रेशन ख़त्म हो गया है। अब इस टेंट का जो नेम है वो चेंज होकर ईगर से कैमीटर हो चुका है। बात करें गाइस टेंट की फ्रेम और कंपोजिशन की, तो जो इसका फ्रेम है वो बेसिकली बना है फाइबर ग्लास पोल से, और जो इसका बॉटम शीट है वो बना है पॉलिएस्टर शीट से, जबकि जो इसका इनर है वो बना है ब्रीदेबल पॉलिएस्टर से, और जो इसका रेन फ्लाई है वो बना है 5000 मिलीमीटर पॉलीयूरेथेन कोटेड पॉलिएस्टर से। ये आपको अच्छी वाटरप्रूफिंग के साथ यूवी प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जो ये टेंट है ये डोम शेप में आता है। इसका जो साइज़ जो है इसका वो 6x7 feet का है, 6 दिस साइड एंड 7 दिस साइड, जिसमें से कि आपको यहाँ 2 feet का जो वेस्टिब्यूल रीजन मिलता है यहाँ पर, बिकॉज जब रेनी कंडीशंस होती है तो जो आपके गियर होते हैं या शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो वैसे टाइम में वो जो गियर है या बैग है वो आप यहाँ बाहर रख सकते हैं। तो इसमें जो स्लीपिंग का जो अरेंजमेंट है वो डोर के कंपेरेटिवली परपेंडिकुलर है। बेसिकली फोर सीजन जो भी टेंट होते हैं उनमें रेन फ्लाइज में आपको जो ये वेंटिलेशन सिस्टम मिलती है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज जो फोर सीजन टेंट होते हैं उनको रेन मॉइस्चर विंटर में स्नो जैसे सिचुएशन को फेस करना होता है, तो ऐसे केस में जो ये वेंट होते हैं ये प्रॉपर एयर की पासेज में हेल्प करते हैं। अदरवाइज आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जैसे कि अगर आप विंटर ट्रैक्स के लिए जाते हैं तो विंटर्स में होता क्या है कि आउटसाइड का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके वजह से जो आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है अगर अच्छी तरह से उसकी वेंटिलेशन ना हो पाए तो आप नोटिस करेंगे कि जो इसका जो इंटरनल जो लेयर है वहाँ पर आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हो जाए तो वो जम जाता है, जिससे कि जो आपको अंदर ठंड लग सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ट्रैक कर रहे हैं ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होता है, तो ऐसे केस में भी जो दो वेंट यहाँ पर हैं और इनर लेयर में भी आपको काफ़ी बड़े मैश पैनल आपको मिलते हैं, सो उससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, और जो इसका जो थर्मोडाइनमिक बैलेंस बनता है जो टेंट के अंदर का टेम्परेचर है और टेंट के जो बाहर का टेम्परेचर है वो प्रॉपरली बना रहता है। बात करें इनर की, तो आपको दो पॉकेट लेफ्ट साइड में और दो पॉकेट राइट साइड में मिलते हैं। फ्रंट पर जो राइट साइड है वहाँ पर आपको एक पॉकेट मिलता है। टेंट में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो इसका जो डोर है वो डुअल लेयर है। फर्स्ट वन जो आप देख रहे हैं ये ब्रीदेबल पॉलिएस्टर है, बट अगर आप ह्यूमिड कंडीशन में कैंपिंग कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप इस जो पॉलिएस्टर लेयर है उसको रिमूव कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेज ये है कि जो प्रॉपर वेंटिलेशन से जो टेंट वो ठंडा रहेगा, बग या फिर मॉस्किटोज है उनसे भी आपको दूर रखेगा। जो इसका आउटर फ्रेम है उसमें पोल के अलावा जो आउटर फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर वेरियस लूप दिए हैं, 1, 2, 3 इस तरह के। यहाँ पर इस टेंट में टोटल 9 आपको लूप मिलेंगे। इन सब का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जैसे इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन फ्रंट साइड की तरफ है, तो इसका पर्पस ये होता है कि यहाँ पर आपको अटैच करना है गाई लाइन। सो बेसिकली गाई लाइन इस तरह का एक एक्सेसरी कॉर्ड होता है जो आपको टेंट के साथ ही मिलता है। इसका फंक्शन ये है कि जब भी अभी जैसे तो मौसम साफ़ है, बट जब हैवी रेन होती है तो वो जो इसका जो आउटर है उसको सैग करती है बारी करके, तो उस सैग को बचाने के लिए आपने इसे कस के बांधना है। तो गाइडलाइन से जब इसे आप बांधेंगे तो इसमें प्रॉपर टेंशन आ जाएगी,
और उस वजह से जो आपका जो इनर है वो आउटर से टच नहीं होगा। जैसे कि इसमें होगा ये कि जो आपका इनर है वो जो बाहर की रहने उससे रेन से बच जाएगी। तो ये टेंट दो वेरिएंट में आते हैं। फर्स्ट वन है फाइबर ग्लास वेरिएंट जो कि आता है 5200 के प्राइस रेंज में, और जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो आता है एल्यूमिनियम अलॉय पोल वेरिएंट में जिसका जो प्राइस रेंज है वो है 7200। दोनों में फ़र्क ये है कि जो फाइबर ग्लास होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है और थोड़ा फ्रेजाइल होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम अलॉय। सो गाइस ये था ओवरऑल इस टेंट के वेरियस स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।